ये है आर्कटिक फॉक्स माउस, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। एंड जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो ये है आर्कटिक फॉक्स गेमिंग माउस, ये मैंने अमेजोन से 249 रुपीज़ में परचेज़ किया है। एंड देख सकते हैं ऐसे कुछ पैकेजिंग में आता है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। एंड प्राइस भी देख सकते हैं, गेमिंग माउस के लिए काफ़ी चीप प्राइस में आता है, 249 रुपीज़ में। एंड पैकेजिंग भी ऑसम है। एंड यहाँ पे बॉक्स पे 599 रुपीज़ लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे आप सारे इसके फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी इसमें मिलती है, रिप्लेसमेंट वारंटी लिखी हुई है, तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो। इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में सिर्फ यही है, मैनुअल वगैरह नहीं है। तो ये रहा माउस, एंड आप देख सकते हैं ये ड्यूअल टोन कलर में आता है, ब्लू एंड ये ब्लैक है। एंड ये ब्लैक जो है ये रबरी फिनिश प्लास्टिक में आता है, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। एंड ये मैट फिनिश में है, ब्लू कलर का जो पैटर्न यहाँ पे बना है ये मैट फिनिश में है। इस माउस का शेप एंड डिज़ाइन आप देख सकते हैं, मैं भी आपको 360 घुमा के दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये फॉक्स का लोगो बना हुआ है। इस माउस की लेंथ की बात करें तो ये है एग्जैक्टली 5 इंच है। एंड वाइडनेस की बात करें तो एग्जैक्टली 2.2 इंच तक है। साइज़ एंड शेप के कंपैरिजन के लिए आप ये क्वांटम स्नाइप 2 को भी देख सकते हैं, ये भी 299 रुपीज़ में आता है, ये सिर्फ 249 रुपीज़ में है। तो ऐसा कुछ है, ये थोड़ा सा स्मॉल है कंपैरिजन में, क्वांटम के कंपैरिजन में। एंड माउस के अर्गोनॉमिक्स एंड ग्रिप्स की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड इस माउस का वेट विथ वायर होता है 108 ग्राम, एंड विदाउट वायर होता है 90 ग्राम। तो हम विदाउट वायर ऐसे ही यूज़ करने वाले हों तो 90 ग्राम है, तो काफ़ी लाइट वेट है। एंड माउस में USB की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कंसिडर टू 249 रुपीज़ प्राइस में, ये काफ़ी अच्छा है, गेमिंग वाला शेप दिया है। एंड वायर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ग्रूव्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे वायर्स में भी, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। एंड वायर की लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 47 इंच है, होता है 1.19 मीटर, तो एकदम करीब है 1.2 मीटर के। तो वायर की लेंथ सफिशिएंट है नॉर्मल यूज़ के लिए। एंड माउस में बटन्स की बात करें तो आपको टोटल 4 बटन देखने को मिलते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल व्हील में पुश बटन, एंड ये DPI का बटन है। एंड ये माउस को अभी मैं PC के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ, आप RGB वगैरह भी देख सकते हैं इस माउस में। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ ग्लो करता है इसका जो RGB है, डे लाइट में ऐसा कुछ लगता है, तो काफ़ी ऑसम है। यहाँ से ग्लो करता है, यहाँ से ग्लो करता है, एंड यहाँ पे ये लोगो ग्लो करता है, बाकी ये तो सेंसर ही है। तो ऐसा कुछ लगता है डेस्क पे, एंड साइड से ऐसा कुछ लगेगा RGB यहाँ से, एंड यहाँ से दिखेगा। एंड नाइट में ऐसा कुछ लगता है, आप देख सकते हैं काफ़ी ऑसम है इसकी RGB, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है ये लोगो एंड यहाँ पे जो RGB है वो। एंड ये DPI भी आप देख सकते हैं ऐसा कुछ डिफरेंट ही दिखता है नाइट में। एंड बॉटम में जो सेंसर दिया है वो सपोर्ट करता है 3600 DPI तक। एंड अगर आपको DPI के बारे में नहीं पता तो डॉट पर इंच होता है। एंड अगर आपके मॉनिटर का साइज़ 24 इंच से लेकर 32 इंच तक है तो आपका 1000 से लेके 3000 DPI तक सफिशिएंट है। एंड अगर आपके माउस में 6400 DPI तक सपोर्ट करता है तो वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए आप ये HP M260 माउस में देख सकते हैं, मैंने 6400 DPI को सेट किया है। एंड आप देख सकते हैं इससे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इतना मूव करने पे भी ये बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है डिस्प्ले पे, ये इतना फास्ट मूवमेंट होता है तो इतना कुछ काम का नहीं आता है। तो नॉर्मल यूज़ के लिए 1000 से लेकर 3000 DPI तक सफिशिएंट है।
एंड माउस में पोलिंग रेट की बात करें तो मैक्सिमम 135 हर्ट्स तक गया है, एंड एवरेज रहता है 100 से लेके 125 हर्ट्स तक। एंड अगर आपको पोलिंग रेट के बारे में नहीं पता तो आप देख सकते हैं ये माउस की मूवमेंट बार बार चेंज होती रहती है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है सीपीयू के पास जाती है। तो 125 हर्ट्स मतलब कि 1 सेकंड में 125 बार इन्फॉर्मेशन जाती है सीपीयू के पास। तो ये होता है पोलिंग रेट। एंड माउस में आप क्लिक की साउंड सुन सकते हैं, ऐसी कुछ आती है। एंड माउस में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले से ही ऐसा लूज़ है, ये क्लिक नहीं है, ये पहले से ही ऐसा लूज़ है। एंड ये होने के बाद क्लिक होता है, तो ये पहले इतना दबता है उसके बाद क्लिक होता है, तो दोनों तरफ सेम ही है, ये राइट क्लिक में भी सेम ही है। तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, ये ऐसा दबता है उसके बाद क्लिक होता है, तो ये शायद मेरे में डिफेक्टिव आया है, पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ है। तो क्लिक्स तो अच्छे हैं लेकिन ये इसकी वजह से मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। स्क्रॉल व्हील आप देख सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपैरिजन के लिए आप ये इस माउस में देख सकते हैं, ये डायरेक्ट क्लिक होता है लेकिन इसमें ऐसा लूज़ है, उसके बाद क्लिक होता है। एंड ये भी सेम है दूसरा तरफ का बटन, आप देख सकते हैं माउस भी 6 साथ कनेक्ट है। एंड यहाँ से आप डीपीआई वगैरह चेंज करवाएंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सबसे 10 लो है, ये थोड़ा सा फास्ट है, ये भी थोड़ा सा फास्ट है, एंड ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो टोटल आप 4 बार डीपीआई चेंज कर पाएंगे। स्क्रीन पे देख सकते हैं डबल क्लिक भी आसानी से हो रहा है, एंड ड्रैग भी आसानी से हो रहा है, एंड राइट क्लिक देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। वर्ड वगैरह भी आप आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे ट्रेंडिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंड सर्चिस को भी सिलेक्ट, एंड स्क्रॉल व्हील भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये भी आसानी से हो रहा है एंड काफ़ी स्मूथ है। माउस गेमिंग टेस्ट। माउस में सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइजेशन की बात करें तो वो नहीं मिलता है क्योंकि काफ़ी चीप प्राइस में आता है। सिर्फ कस्टमाइजेशन में आप ये डीपीआई वगैरह चेंज कर पाएंगे। सो जब भी आप माउस परचेस करें तब आप कंफर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि लुक्स पे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको माउस को यूज़ ही करना है, ना कि शो ऑफ वगैरह करना है, तो आप कंफर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। एंड ये माउस ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाएगा एंड सभी पीसी या लैपटॉप में वर्क करेगा। ओवरऑल ये माउस मुझे इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा लगा। माउस की बिल्ड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया है वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि 249 रुपीज़ में क्या ये वर्थ करता है या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।